हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट आज बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों में इस बात की क्वेरीज है कि क्या नए क्रिमिनल लॉ पर रो रोक लगने जा रही है क्या एक जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल्स लॉ लागू नहीं होंगे इस पर हम आप लोग को आज इस वीडियो में पूरा एक एक चीज़ क्लियर करेंगे ताकि आप लोग के अंदर जो डाउट क्रिएट है वो डाउट का प्रॉपर आंसर मिल सके क्योंकि देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं आप लोग के अंदर डाउट होना स्वाभाविक है और उस डाउट को क्लियरेंस देना ये जिम्मेदारी हमारी है हम आप लोग को इस डाउट को आज क्लियर करेंगे जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें एक बार आप बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनते हैं वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाते परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको लॉ से लॉ से जुड़े जितनी भी बातें होती हैं रिलेवेंट होती है वो आपको बताई जाती है चाहे वो आपके जुडिशल सर्विसेज के लिए हो हायर जुडिशल सर्विसेज के लिए हो ए के लिए हो कोई केस लॉ को लेकर हो कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से रिलेटेड हो या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट से हो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को एक ही जगह पे बताया जाता है और तो उस चैनल का नाम है परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब बस आप लोगों को क्या करना है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के समय में आपको जो भी वीडियो बनेगा वो ऑटोमेटिक आपको आपके सिस्टम पर मिल जाएगा और आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी कि कौन सा वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है चलिए हम लोग आज देखते हैं अपने उस आज के जो हम लोग की इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वीडियो की कि क्या क्रिमिनल लॉ पे नए क्रिमिनल लॉ पे रोक लगने जा रही है क्या इसका आंसर है ये आप लोग को हम बताएंगे देखिए डे स्टूडेंट देख जो हम लोग के नए क्रिमिनल लॉ एग्जिस्टेंस में अभी भी हैं उनका नाम है इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता था अठारह दूसरा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जिसको हम लोग कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस तीसरा है द इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन भारतीय न्याय अधिनियम भारतीय साक्ष अधिनियम अठारह इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाउस में बिल लाकर प्रेसिडेंट के कंसेंट भी मिल चुकी है 25 दिसंबर 2023 हजार तेईस को जो आईपीसी है उसको रिप्लेस किया गया बीएनएस से भारतीय न्याय संहिता 2023 हजार तेईस को रिप्लेस किया गया बी एन एस एस द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष अधिनियम दो से और इसमें प्रेसिडेंट इंडिया की कंसेंट भी मिल चुकी है और इसके जो डेट रखी गई है वो एक जुलाई 2024 रखे गए उस दिन से इसको इन्फोर्स करने की बात कही गई है और अभी तक की तो ये है कि इन्फोर्स होगा लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रेड फाइल हुई है इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो कंस्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ब्रीच करते हैं लॉ के प्रोविजन को ब्रीच करते हैं ऐसा पिटिशनर का आरोप लगाया गया है और एक पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है जो पिटिशन है उसको दो जजेस की बेंच के द्वारा सुना जा रहा है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस समय में समर कोर्ट बैठी हुई है समर कोर्ट में जो खंडपीठ है बेंच है जस्टिस बेला त्रिवेदी जस्टिस पंकज मित्तल ये दो ऑनरेबल जजेस की चेयरमैनशिप में ये बेंच आज इसकी सुनवाई कर रहा है कि क्या इस क्रिमिनल लॉ को जो एक जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए या इसको आगे जारी रखा जाए या आज इसकी हयरिंग है और जैसा भी इसका डिसी ऑनरेबल को कोर्ट का जजमेंट होगा वो आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो में बताया जाएगा लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट सर को ये बहुत कम उम्मीद है कि एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए रोक लगेगी जैसे ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसको सबको मानना पड़ेगा और आप लोग भी इंतज़ार करें हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और कोर्ट के डिसीजन के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो हम लोग फॉलो करेंगे हम अपने उन स्टूडेंट को जो बिहार के एडीजे में क्वालिफाई किए हैं वो तो धीरे धीरे और भी पता चला कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से नौ स्टूडेंटों ने क्वालिफाई क्योंकि होता क्या है कि जब बैच कोई ख़त्म होता है स्टूडेंट फिर बैच से हट जाते हैं वो तो बाद में बताते हैं कि सर हम भी क्वालिफाई किए जैसे कि आ, इतिहास दीना नाथ जी ने बताया कि वो क्वालिफाई हुए हैं प्रबुद्ध ने बताया कि हम क्वालिफाई हुए हैं प्रशुन कुमार ने बताया कि हम क्वालिफाई है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस से जो छोटा सा बैच बना था उससे नौ स्टूडेंटों ने अभी तक अपनी कंसेंट दिया कि हम क्वालिफाई कर गए बहुत खुशी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हम चाहते हैं कि जो टू नाइन्टी एट का स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं सभी लोग अब तो अच्छी मेहनत करें मेंस को क्रैक करें ताकि इंटरव्यू के लिए इंटाइटल हो सके और हम बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें क्रैश कोर्स में उनके कोर्स को जितना मैक्सिमम पूरा होने की उम्मीद है उतने कराया जाएगा इसके लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं अपना आधार कार्ड करके दो व्हाट्सअप नंबर हैं नाइन नाइन थ्री थ्री फाइव वन फोर फोर टू सिक्स फाइव ये दो नंबर है इसमें से किसी भी नंबर पर आधार कार्ड भेज देंगे वो तो आधार कार्ड भेजने के बाद कोचिंग का क्यू आर कोड जाएगा बहुत ही नॉमिनल आप लोग के लिए फ़ीस रखी गई है ताकि आप एफोर्ड कर सकें फिर इसके बाद आपको गूगल मीट पर क्लास मिलेगी क्लास आपको लाइव मिलेगी लाइव के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा तो थैंक यू डियर स्टूडेंट हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करते हैं क्रिमिनल इस्लाम में और जैसा भी जजमेंट होगा वो आपके सामने रखा जाएगा थैंक यू माय डियर स्टूडेंट